कई बार आपने सुना होगा कि कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। मैं भी आगाह कर रहा हूं आपको, हो सकता कभी आपने कोई वीडियो देखा हो और उसमें आपको ऐसा ना लगा हो कुछ कि इसको कमजोर दिल वाले ना देखें, लेकिन ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये वाकई में ऐसा है। और जिनका दिल कमजोर नहीं है वो एक बार देखें, बार बार देखें और फिर सोचें कि गलती इंसान की है या फिर एक जानवर की। कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के वीडियो हैरान करते हैं, परेशान करते हैं और डराते हैं, और इस तरह से आवारा या मैं कहूंगा कि बेसहारा पशु घूम रहे होते हैं गलियों में, मोहल्लों में। दावे वादे बहुत सारे किए गए हैं। एक बार फिर से इस वीडियो को देखें कि किस तरह से एक शख्स, अच्छा इसमें दो चीजें हैं कि वो सांड नजर आ रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, आप उसमें डंडा मार रहे हैं, ताऊ डंडा मार रहे हैं, बुजुर्ग डंडा मार रहे हैं, और उसका नतीजा ये हुआ कि इनको अपनी जान गंवानी पड़ी। सवाल यहां पर यह है कि इस तरह से जो बेसहारा पशु हैं, आवारा पशु हैं, इनके लिए बहुत बड़े बड़े दावे और वादे किए गए हैं, वो कहां गए दावे? लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहे हैं। गायों की स्थिति की अगर बात की जाए तो बहुत कुछ हुआ, राजनीति हुई, लेकिन गायों की दुर्दशा नजर आ रही है। स्थानों की बात की जाए कि इनको पहुंचाया जाएगा गौशालाओं में, इनके लिए अलग से जगह बनाई गई है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? और वो लोगों की जिंदगी ले रहे हैं। ये वीडियो पानीपत का है और पानीपत का ये वीडियो इस वक्त दिल दहला देने वाला है। इस वीडियो की अगर बात की जाए तो पानीपत के असंद रोड पर बसे सौदापुर गांव का है ये वीडियो। सौदापुर वहां पर गांव है और जिन शख्स की मौत हुई उनकी उम्र है 63 साल। दीपचंद गली है ये, दीपचंद गली का पूरा मामला है। तभी सांड ने उन पर वार कर दिया, पहले उन्होंने डंडा मारा, फिर सांड भी अपना आपा खो बैठा और उसने उनकी जिंदगी को ही खत्म कर दिया। बस एक ही हमला किया और एक हमले में बुजुर्ग की मौत हो गई। उनको अस्पताल भिजवाया गया लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब सवाल यह है कि इनको लेकर बड़े बड़े दावे किए गए, सांडों को लेकर, बेसहारा पशुओं को लेकर, गायों को लेकर, कैटल फ्री किया गया कि इस तरह के बेसहारा आवारा पशु घूमते नजर नहीं आएंगे गलियों में, मोहल्लों में, लेकिन ऐसा हो रहा है। दावे खोखले साबित हो रहे हैं। गायों को लेकर राजनीति हुई, लोगों की हत्याएं भी हुई, सांडों को लेकर बहुत सी बातें हुई, लेकिन लोगों पर अब वो इस तरह का हमला कर रहे हैं कि उनकी वजह से उनकी मौत हो रही है। फोटो सेशन किया जाता है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बहुत सारी बातें की जाती हैं। महज 29 सेकंड का ये वीडियो और 29 सेकंड में एक शख्स की जान चली जाती है। अपील है, मैं बार बार कहता हूं कि मैं इन जानवरों को आवारा नहीं कहता। मैंने ठान लिया है कि ये बेसहारा हैं, खासतौर से गाय जो सड़कों पर घूमती नजर आती हैं, गली मोहल्लों में घूमती नजर आती हैं, वो आवारा नहीं होती, बेसहारा होती हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे रखवाले होते हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन उनको बेसहारा छोड़ दिया जाता है। फिर कोई उनके ऊपर गर्म पानी डालता है, कोई उनके ऊपर बहुत सी ऐसी चीजें डालता है जिससे उनकी जिंदगी को खतरा पहुंचता है। और ये सांड, यहाँ पर एक सांड ने एक इंसान की जान ली है, ये बहुत ही डराने वाला, विचलित करने वाला वीडियो है। लेकिन उम्मीद है कि इस तरह से जो गली मोहल्लों में बेसहारा गाय घूम रही हैं, आवारा सांड घूम रहे हैं, उनको उनकी सुरक्षित जगहों पर पहुँचाने की कोशिश की जाएगी ताकि लोग भी सुरक्षित रह सकें।